चंपावत के बड़ौली गांव की महिलाएं 32 किलोमीटर का सफर तय कर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और सामाजिक कार्यकर्ता जयदत्त के नेतृत्व में डीएम को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं का कहना है कि धौन बड़ौली मोटर मार्ग में मंजूरी के बावजूद काम शुरू नहीं हुआ है, जिससे लोगों को 5 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलना पड़ता है। डीएम साहब को मिलने को आए रोड की परेशानी के लिए। अच्छा, हमें दूसरी सुविधा यह क्या बस चाह रहे हैं कि भाई रात में जब क्या हम आदमी बीमार पड़ जा रहा है, कुर्सी में लाना हो रहा है, आधे रास्ते में क्या हुआ और मरीज क्या हुआ और मरीज और दम तोड़ दे रहा है, महिला गर्भवती महिला उनको डोली में ला करके यहाँ सौला पहुँचा तक कई परेशानी हो जा रही है। यहाँ जिला और जिला के हम यहाँ क्या अस्पताल में हम यहाँ लाते हैं, यहाँ भी हमारी पूछ नहीं हो रही है। मेरे संज्ञान में लाया गया, दोनों गांव के लोगों ने आके अपना पक्ष रखा था। इसमें अलाइनमेंट संरेखण को लेके कुछ इश्यूज था, दोनों गांव अपने अनुसार चाह रहे थे, तो ये निर्देश दिए गए थे कि जो टेक्निकली फिजिबल हो और जो सही हो उसको पीएमजीएसवाई एग्जीक्यूट करे। और जहां तक अभी मुझे बताया गया है कि वन पंचायत की स्वीकृति न आने के कारण आगे की कार्रवाई नहीं हो पाई है, तो पुनः मैंने एक डिटेल रिपोर्ट मंगाई है, तत्काल इसको हमारा प्रयास रहेगा इसको निर्धारित किया गया। वहीं डीएम ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चंपावत के खंड अधिशासी अभियंता से सड़क की राह में आ रही अड़चन को जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंपावत से हरीश पांडे की रिपोर्ट।